ये रोड का स्थिति कैसा है? बहुत ही जर्जर स्थिति है, अगर ये बहुत रोड कैसा है, रोड सबसे घटिया है। क्या करना चाहिएगा सरकार को इसके लिए? सरकार मर गया है ये रोड के लिए। ये रोड बहुत अच्छा है ना? अरे अच्छा, इतना है कि रोड पर चढ़ने के बाद आत्मा रोने लगता है भैया। अच्छा चाचा जी, कैसा है, मतलब लग रहा है रोड पर चलने में? ए, इतना दिक्कत है जी, हम क्या बताएं सर, ये तो हम चलते हैं आधा कांते हैं हम लोग। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है मिथुन कुमार, फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। आप देख रहे हैं नमस्कार, मेरा हिमांशु नाम है मिथुन कुमार, मैं पहुंच चुका हूं वही रोड पे जो 2 से 3 दिन पहले मैं एक वीडियो चलाया था, लेकिन आज अब बारीकी से आप लोगों को बताते हैं रोड के बारे में, रोड की जर्जर स्थिति को देखते हुए। और यहां पे देख सकते हैं कि रोड कितना टूटा हुआ है, इधर से देख सकते हैं रोड को बनला कई साल हो गया, ये देख रहे हैं पूरा एकदम रोड टूटा हुआ है। वही लहुरना पुल से जो रोड को थमा गया था कि लहुरना पुल जब तक रेडी नहीं होगा तब तक रोड नहीं बनेगा, तो लहुरना पुल भी बन के एकदम रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक ये रोड मतलब बना नहीं है और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। लोगों का कहना है कि मतलब रोड में ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे मोटरसाइकिल चालक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। और इनसे थोड़ा भी बात पूछ के देखते हैं कि मतलब क्या है, इनका क्या स्थिति है, रोड कैसा है, क्या कहाँ से आ रहे हैं सर? जालपुर से इधर कहाँ जाना है? अभी तो हम लोग जा रहे हैं सोनवर्षा। यहाँ के लोकल है कि बाहर के हैं? लोकल ही है। लोकल की रोड का स्थिति कैसा है? बहुत ही जर्जर स्थिति है, बहुत ही गंभीर। बारिश में जितना होता कि इतनी एक्सीडेंट कर पाती है लोग, बहुत सारे ही घटना इस रोड में घटती है। रोड मतलब लोग बोलता है कि इस रोड एकदम प्लेन है, टूटल टटल नहीं, 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 ये गलत बात है सर। हम लोग बहुत जी, क्या क्या बोले चाचा? हाँ, तो विधायक जी के कहे अशोक चौधरी के, ये लहुरना वाला पुल के लेकर EDO साहब सब हम लोग कमिटी बर्ताव किए, एक बार रुक गया, फिर तानिए बना रुका, हम कहे तो देख सकते हैं कि रोड का स्थिति क्या है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? ये हमारे खाली करके। कहाँ से आ रहे, इधर कहाँ से आ रहे हैं? जगह का नाम नहीं मालूम है। रोड कैसा है? रोड सबसे घटिया है। अच्छा लग रहा है चलाने में? चलाने में पेट दर्द दे रहा है, इतना उठा उठा बजा रहा है जो। हाँ। क्या करना चाहिएगा सरकार को इसके लिए? सरकार मर गया है ये रोड के लिए। चलिए देख सकते हैं, लोग का बद्दुआ निकल रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि रोड के क्या स्थिति है। सभी आदमी से भी हम मतलब आपको पूछवाने का प्रयास किए। क्या भैया आप यहीं के हैं? भैया हम तो बगल के ही हैं, ऐसे 3 किलोमीटर बगल के हैं। रोड बहुत अच्छा है ना? अरे अच्छा, इतना है कि रोड पर चढ़ने के बाद आत्मा रोने लगता है भैया। क्यों, ऐसा क्यों स्थिति है? रोड का जंजर एकदम टूटा हुआ है, जंजर बना हुआ है। सरकार को क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या इसको बनवाना चाहिए और क्या करना चाहिए? कितना दिन से ये ऐसा ही रोड है? ऐसे तो लमसम है भैया 15 साल से, जब तक इस रोड में हम लोग आने लगे तब से यही हाल है। अच्छा सिंपल रोड है क्या, यहाँ पे ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं चलती है? बहुत ज्यादा गाड़ी घोड़ा चलती है, पटना का इसका रूट है ये। सुनने में आया कि पटना का बस उस हो गया, ट्रक बहुत ज्यादा ही संख्या में चलती है जी। पटना का बस जो है पूसा पटना टोटल बस इसी रूट होकर चलती है, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं नहीं बना है सर। इसको जल्दी सुनवाई कीजिए, रोड वो बनवाइए। देखिए यहाँ लोगों का कहना क्या है कि अभी तक यहाँ पे रोड लगभग 15 साल से टूटा हुआ। राम जी हुए चाहे अशोक चौधरी जी हुए, दोनों आदमी का, अभी तक वर्तमान में भी अशोक चौधरी जी हैं, उनके भी डीजन में ये रोड बोले थे कि हम जब जीतेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन अभी तक ये रोड बनी नहीं। अशोक चौधरी जी बोले थे कि हम जीतेंगे तो बनवा देंगे। जीतने से पहले भी हम बनवा देंगे, और जीतेंगे तो भी बनवा देंगे, न जीतेंगे तो भी बनवा देंगे, लेकिन अभी तक 2 साल होने जा चुका है सरकार बनते हुए, लेकिन अभी तक ये नहीं बना हुआ है। अभी तक रोड नहीं बना हुआ है। क्या चाचा जी, कैसा है, मतलब लग रहा है रोड पर चलने में? इतना दिक्कत है जी, हम क्या बताएं सर, ये तो हम चलते हैं आधा कानते हैं हम लोग, कान कान का चलते हैं। कितना दिन से टूटा हुआ है रोड? लमसम 1.5 साल 2 साल से। लोग तो कह रहा है कि इसे 15-20 साल से टूटा हुआ है। हाँ ऐसे ही, हमारा अपना याद ना है, लेकिन वो नहीं है, बहुत टूटल रोड है बड़ा। हम तो मुश्किल से महीना में एक दिन अवैध हो गई है, मैंने तो हम सुंदरपुर में घूम कर जाए। अच्छा रोड देने जाते? हाँ देखिए, इतना महोदय जी और रोड के ठेकेदार लेने वाले जी, ये गिट्टी जो है, गिट्टी से जब पिटाई लगेगा ना तब समझ में आएगा लोगों का कहना है। इतना पानी जम गया है, और कम से कम यहाँ जान लीजिए, कम से कम यहाँ पे प्रतिदिन 10 से 12 बस यहाँ पे चलती है, जो पूसा से लेके पटना तक चलती है, पटना से रोड जोड़ती है, हाजीपुर दोनों रोड इसी जाता है। अक्सर लोग यही देने जाना पसंद पड़ता है कि थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, कोई भी लोग चाहता है शॉर्टकट रास्ता पड़े। ट्रक की जनसंख्या देखना चाहिएगा तो प्रतिदिन कम से कम 50 से 60 ट्रक 2 से 3 घंटा में यहाँ से गुजरती है। आप देखिए कि कितना जर्जर रोड है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के विधायक जी जीतने से पहले बोले थे कि अगर हम जीत जाएंगे तो रोड का सबसे पहले निर्माण कराएंगे, लहुरना पुल का निर्माण कराएंगे। तो लहुरना पुल का निर्माण तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक रोड के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। ये रोड आप जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे घटना भी रोड के कारण होते हैं, छिनतई भी होता है, रोड अच्छा नहीं है, लोग भाग नहीं पाते हैं, और थोड़ा यहाँ का रास्ता सही नहीं होने के कारण बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।